भारत मॉरिशस के बीच खेल, सांस्कृतिक कला एवं व्यापारिक गतिविधियों के आदान प्रदान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक फोरम का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन श्री स्वप्निल कोठारी हैं। आज रेनेसा विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मॉरिशस के कई मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन श्री देशमुख ने किया। प्रारंभ में रेनेसा कॉलेज के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी ने अपनी बात को रखा और उपस्थित आमंत्रित लोगों से आपसी सामंजस्य और व्यवहार को सही दिशा में ले जाने और उसकी जरूरत को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विचारों के आदान प्रदान और व्यापार के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी। कई बार योगेश भैया और मैं हम ऑफिस में 40-40 मिनट 50-50 मिनट बात करते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, कोई एजेंडा नहीं होता है, बट वी डिराइव लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आई रिमेम्बर एक बार उषा दीदी घर आई थी जयंत भैया के साथ, हम बात करते करते सोफे से नीचे बैठ गए, याद है दीदी आपको? क्योंकि वो इतना कंफर्ट लेवल था, वो इतने सहज हो गए हम बात करते करते। तो रिश्ते और सृजन से ही जो है आनंद जो है जुड़ा होता है, और ये मंच जो है वो उसी दिशा में कदम है। मॉरिशस से हमारे सारे मेहमान यहाँ पर हैं बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, इंदौर के समस्त लोग यहाँ पर हैं बहुत मेहमान नवाजी की बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, मिले एक दूसरे से बात करें, रिश्ते बने, दोस्ती हो, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापार करते हो उसके बाद ही रिश्ते बनते हैं, कभी कभी उल्टा भी होता है, रिश्ते पहले बनते हैं, व्यापार 5 साल बाद होता है, 6 साल बाद होता है। हमारे नीलेश भैया मौजूद हैं यहाँ पर, नीलेश जैन, वो इसके सबसे बड़े क्या बोलूँ जीती जागती मिसाल है, सबसे उनके रिश्ते, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, नितिन जैन है, नीलेश जैन है, शशांक नियाती है, जो दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि आप व्यापार करते हैं फिर भरोसा होता है, कई बार उल्टा होता है, भरोसा पहले निर्मित होता है, व्यापार कुछ समय बाद होता है। एनी विच वेज, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस, ये जो है इस इनिशिएटिव के पीछे के प्राइमरी दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरी बात, क्योंकि इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं यहाँ पर, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग हैं जो नीति बनाते हैं दुनिया के देशों की, डिप्लोमैट्स हैं, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंदौर के काफी लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इंदौर जो है वो एक ब्लूमिंग स्टेज पे है, वो एक दूसरे लेवल पर पहुंच गया शहर है। मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद कल्पना से परे है। इंदौर के एंटरप्रेन्योर्स, और उन एंटरप्रेन्योर्स की उम्र कोई 50 साल 55 साल नहीं है, इंदौर के एंटरप्रेन्योर्स जिनकी उम्र जो है 25 से 40 साल के भीतर है, उन्होंने जो अचीव किया है वो वर्ल्ड वाइड अचीवमेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। कॉइन डीसीएच के राहुल गुप्ता जी यहां पर हैं, क्रिप्टो की दुनिया में इनकी कंपनी ने कमाल का काम किया है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पॉलिसी क्रिप्टो को लेके बनाती है तो इन दोनों भाइयों को बुलाती है, इनसे समझती है कि इंडस्ट्री किस तरह से चलती है, ये कितनी गर्व की बात है। मुझे लगता है ताली हमें बजाना चाहिए गुप्ता ब्रदर्स के लिए। राहुल मौजूद है यहाँ। मैं मनीष जगतारा का जिक्र करना चाहूंगा, मेरा कोई बहुत मित्रता नहीं है उससे, लेकिन मैं प्रभावित हूं कैसे एक लड़का इंदौर का कार्बन क्रेडिट को लेकर राजेश भाई कंपनी बनाता है और उस कंपनी का वैल्यूएशन आज हजारों करोड़ों में है। अ बॉय फ्रॉम इंदौर रनिंग अ कंपनी विच वर्क्स इन एरिया ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड हैज गॉट अ ट्रिमेंडस वैल्यूएशन, आई डोंट नो हाउ मेनी 1000 करोड़ रुपीज, 7000 8000, आई डोंट नो। ये वो लोड है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इनके 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 पारिवारिक विरासत में हजारों करोड़ों की दौलत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत क्रिएटिविटी से अपनी अपनी कंपनीज बिल्ड करी और देखिए कमाल का काम किया। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ इज नॉट वेल्थ, वेल्थ इज एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ, व्हाट आई अप्रिशिएट इज एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ। जब मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूं तो मैं तो धनार्जन को महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर किसी आदमी ने सृजन किया है तो उसकी जो क्षमता है ये धन अर्जन करने की, वो क्षमता जरूर जो है काबिले तारीफ है, उसके लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। इंदौर का बेटा, लंदन का डिप्टी मेयर, मेरे मॉरिशस के भाइयों और बहनों का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ, मैं इंदौर में ही पला बड़ा, तो जब मैं प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने यहाँ पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ मेहमान हूँ या मैं मेज़बान हूँ।
तो मुझे लगा कि कभी मैं मेहमान हूँ और कभी मेज़बान हूँ, तो अभी इस कार्यक्रम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मेज़बान के तौर पे हूँ। तो मेरे सभी मॉरिशस के भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इट इज़ ट्रूली अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑल हियर इन द सिटी ऑफ इंदौर, द सिटी वेर आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, एंड नाउ दैट आई एम इन लंदन आई स्टिल विजिट इंदौर एटलीस्ट वंस अ ईयर। द मॉरिशियन कम्युनिटी इन लंदन is hugely important for London. There are over 41,000 people of Mauritian origin who are in London, and they contribute to every walk of life in London. A great example of India and Mauritian, Indian origin and Mauritian origin people contributing to the UK is our current Prime Minister, Rishi Sunak, who is a person of Indian origin, and our current Home Secretary, who is a person of Mauritian origin. There are some very famous people of Mauritian origin who are contributing hugely to London's economy, right from art, culture, business, and all other walks of life. A very good friend of mine, a very famous BBC News presenter, Nagamon Chetty, and so on and so forth. So it's fantastic, fantastic to be here. मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा स्वप्निल कोठारी जी को। ये मेरा पहली बार नहीं दूसरी बार रेनेसा यूनिवर्सिटी में आना हुआ है, और इन्होंने जब ये यूनिवर्सिटी शुरू की तो मुझे लगता है इसका कोइंसाइड हुआ है भारत के नए रेनेसा के साथ, क्योंकि ये रेनेसा यूनिवर्सिटी भारत, एक नए भारत को रिप्रेजेंट करती है, और ये दोनों का समागम एक ही समय हुआ है। इंदौर में, मध्य प्रदेश में और भारत में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर युवा वर्ग है, और ये युवा वर्ग ही भारत का भविष्य है। और इस युवा वर्ग को शेप करने के लिए जो काम स्वप्निल जी और रेनेसा यूनिवर्सिटी कर रही है, मैं उनके लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। भारत और मॉरिशस को साथ लाने का काम ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग मॉरिशियस एंड इंडिया टुगेदर क्लोजर इवन मोर देन इट इज ऑलरेडी, एंड देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल आई थिंक बिटवीन मध्य प्रदेश एंड मॉरिशियस टू वर्क टुगेदर व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेयर इंदौर इन पर्टिकुलर इज वे अहेड एंड मॉरिशियस is quite leading in food processing, particularly in sugarcane. I think there are huge opportunities of collaboration. Financial services is another sector, IT, where there is a lot of opportunity to collaborate between the two nations. And whatever we can do from London, we are there to help you. And I just want to thank Swapnil for bringing everybody here together and explore the opportunities that are presented by the two nations. संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश सरकार की धर्म और संस्कृति के प्रति की जा रही योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही संस्कृति के महत्व को बताते हुए उन्होंने परिवार में किस तरह से मिल बैठकर धर्म और संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही उषा ठाकुर ने उपस्थित लोगों को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शपथ भी दिलवाई। संस्कृति विभाग की सेवा मिली हुई है साथियों, संस्कृति विभाग और उसके साथ धर्मस्व और धार्मिक न्यास विभाग, और मैं कहूं कि देश का इकलौता आध्यात्मिक विभाग यदि कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में आप सब भाई बहनों की दुआओं से मेरे पास है। पर्यटन जिसके क्षेत्र में हम नवाचार कर रहे हैं, और उसके लिए आपको आमंत्रित भी करते हैं कि बहुत सारे नवाचार होम स्टे, एग्रो स्टे, रूरल स्टे, छोटे छोटे छोटी पूंजी में आत्मनिर्भर समाज निर्मित कर पाए, ऐसी भी दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। जल महोत्सव अभी हनुमंतिया में होता है, इस बार गांधी सागर मंदसौर को भी हमने चुना है। बहुत सारे नवाचार लेकर के पर्यटन को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अग्रणी विभाग हम बनाना चाहते हैं, पर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग के बिना
नीतियां हमने बहुत पारदर्शी बनाई हैं और कोशिश भी की, अवार्ड भी मिला भी हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का। तो अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। आप सब देश के इस हृदय प्रदेश को बहुत आत्मीयता से, प्रेम से, और हमारे भाई बहनों को कैसे हम उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को कैसे सफलता का क्षितिज प्रदान कर दें, जैसे स्वप्निल भाई अभी आपसे बात कर रहे थे, मुझे लगता है आप सब इस विषय पर अवश्य ही विचार करेंगे। पर संस्कृति मंत्री होने के नाते आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वैदिक जीवन पद्धति वेदों की ओर लौटे बिना न देश का न दुनिया का भला हो ही नहीं सकता। साथियों, कोरोना की विभीषिका ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। सबको एक बात समझ में आ गई कि भौतिकता से दग्ध मानवता यदि सुख शांति संतुष्टि पाएगी तो भारतीय संस्कृति की रीढ़ आध्यात्म में ही पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पिरिचुअल टूरिज्म पर काम करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। हम वैदिक सिटी में निर्मित करना चाहते हैं। हमारे पास 2 ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ और मां नर्मदा, विश्व की प्राचीनतम नदी जिनकी उम्र अभी हाल ही में जब गणना हुई है तो 35 करोड़ वर्ष पुरानी नदी वो है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती वो अद्भुत औषधियों से और इस पावन भूमि को बहुत ही उर्वरा बनाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश अद्भुत है, अनूठा है। आप सबसे इतनी ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आपने वहाँ भारत संजो कर रखा उसको दृढ़ता मिले, उसको निरंतरता मिले। और वैदिक जीवन पद्धति का प्रत्यक्ष उदाहरण एक अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ कि वेदों की ओर लौटे बिना ना हम पूरी वसुधा का कल्याण कर पाएंगे, ना अपना स्वयं का कर पाएंगे। इसलिए काल जी, विश्व जी, भारतीय संस्कृति को इस 21वीं शताब्दी के दौर में हमें देश दुनिया तक पहुंचाना है। इस अवसर पर मौजूद मॉरिशस के अन्य मंत्रियों ने अपने विचार रखकर भारत मॉरिशस संबंध के बारे में अपनी बात रखी।